हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं चना का पकोड़ा जा रही हूँ बनाने के लिए। मैं 1 कप चना ले ली हूँ। इसको मैं रात में भिंगो के रखी थी। मैं इसे जार मिक्सर जार में डालूंगी और मैं इसे पूरा महीन पेस्ट नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, हल्के से दरदरा करके मैं इसे पीसूंगी। मैं इसे एक कटोरे में निकाली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कैसे है ये। ज़्यादा महीन नहीं है, महीन मैंने पीसी हूँ। इसको मैं हल्की सी इस तरह की दरदरा रखी हूँ फ्रेंड्स। अब चलिए मैं इसमें और कुछ कुछ इसे मैं डालूंगी सब। थोड़ी सी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी अजवाइन डालने से बहुत अच्छे लगते फ्रेंड्स, दो हरी मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया पत्ती फ्रेंड्स, एक छोटे साइज के प्याज, मैंने इसको बारीक काट ली हूँ, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तीखी अपने ज़्यादा खाते हैं तो कम, ज़्यादा अपने इसे डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ये। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तेल कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दी थी, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं चलिए इसमें मीडियम फ्लेम में आपको तल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का ऐसे ऐसे कर लें बिल्कुल राउंड, और हाथ से इस तरह का शेप दे दें आप, किसी भी टाइप का इसको इस टाइप का शेप इसमें दे फ्रेंड्स। और इसको ये सब्जियों में बहुत टेस्टी लगता है, इसे घर पर जरूर ट्राई करें। और झटपट ये बनने वाला रेसिपी है फ्रेंड्स, तुरंत ये बन के रेडी हो जाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। आपकी करें जितने लेने का है उतने आप डाल सकते हो। मीडियम फ्लेम में रखिए फ्रेंड्स, ताकि ये अंदर तक पके और एकदम अच्छे से इसको सुनहरा होने तक पकाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है, दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। इसे मैं अभी एक बाउल में निकाल लूँगी। इसमें देखिए कितने अच्छे कलर लग रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। मैं इसे निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैं अब चाट मसाला डालूंगी ऊपर से, ये बहुत टेस्टी लगता है। चाट मसाला डाल के देखिए खाएं, पकोड़ा बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसे चटनी के साथ सर्व करूँगी। इसे मैंने चटनी घर पे बनाई है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें और बताएं कि कैसे ये पकौड़े लगे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।